एमएसवन सिटी के हंगामी कर्मचारियों द्वारा कायमी करने की मांग करते हुए आज आक्रोश रूपी विरोध रैली मोर्चा निकालते हुए आवेदन पत्र दिया था। एमएसवन सिटी में एक बार फिर हंगामी कर्मचारियों द्वारा कायमी करने की मांग करते हुए आज धरना प्रदर्शन किया गया। विश्वविख्यात वैसी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में हंगामी कर्मचारियों द्वारा कायमी करने की मांग करते हुए आज हेड ऑफिस में आक्रोश रूपी मोर्चा निकालते हुए रजूआत की गई थी। यूनिवर्सिटी में 1996 ढेरों कर्मचारी हंगामी रूप से कार्यरत है। एक्चुअल वर्क तथा एक्चुअल प्ले के हिसाब से पगार भत्ता भी नहीं दिया जा रहा, तो वहीं बढ़ रही महंगाई के बीच वे लोगों का काफी जीना गुजारना काफी कठिन बन रहा है। बड़ौदा यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन तथा हंगामी कर्मचारियों के बीच राज्य सरकार ठहराव पारित करे और लघुत्तम वेतन के मुताबिक उन्हें वेतन चुकाया जाए, वैसी अपील करने के बीच आज एक बार फिर हंगामी कर्मचारियों द्वारा कायमी करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें एमएसओ सिटी में सत्ताधीश अधिकारी को आवेदन पत्र देते हुए रजूआत की गई। आज यूनिवर्सिटीनी सिंडिकेटनी मीटिंग छे। आ मीटिंग नवा वाइस चांसलरना अध्यक्ष स्थाने मळशे। आ नवा वाइस चांसलर ने अपना प्रश्नों माटे केटली लागणी के मागणी छे खबर नथी, परंतु अमारा जे सिंडिकेट सभ्य छे एमने खास अमारी विनंती छे के अमारा कर्मचारी जे वर्षोथी हंगामी धोरणे काम करी रह्या छे एमने सरकार में जे हंगामी कर्मचारियों ने जे पगार धोरण आपवामां आवे छे ए पगार अमारा कर्मचारियों ने मळवा जोईए अने समयांतरे एमने कायम करवानी तात्कालिक जरूरियात उभी थई छे। जे वर्षोथी काम करी रह्या छे आपणा त्यां 70% कर्मचारीओ अत्यारे हंगामी धोरणे काम करी रह्या छे। यूनिवर्सिटीना एडमिनिस्ट्रेशनमां आजे तमे जुओ छो के जूना कर्मचारीओ रिटायर थाय छे अने नवा कोई भरती थती नथी, એમાં યુનિવર્સિટીની અકાર્યક્ષમતા દેખાય છે। જેમણે ખાસ કરીને સરકારમાં રજૂઆત કરવી જોઈએ કે આ વિશ્વવિખ્યાત યુનિવર્સિટીમાં જો કર્મચારીઓની આ દશા હશે તો હવે કયા પ્રકારનું શિક્ષણ એ લોકો ફાળવવાના છે। આજે ખાસ કરીને સિન્ડિકેટ સભ્યોને અમારો એક ખાસ આગ્રહ રહેશે કે સરકારમાં જે હંગામી કર્મચારીઓને પગાર આપવામાં આવે છે એ જ પગાર અમારા કર્મચારીઓને પણ હંગામી કર્મચારીઓને મળવો જોઈએ, એ ખાસ આગ્રહ રહેશે। અને ત્યાર પછી જો આવતી સિન્ડિકેટ સુધી આ બાબતમાં કોઈ નિર્ણય નહીં લેવાય તો પછી અમે આગળના કાર્યક્રમો જાહેર કરીશું।